गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने सदिश के प्रकार पढ़े हैं जिसमें तीसरा प्रकार चल रहा था एकांक सदिश। ठीक है, इसमें मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी थी कि वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, जिसका परिमाण एक होता है, वह एकांक सदिश कहलाता है। और इसे हम आर कैप के द्वारा या एन कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं। परिभाषा हमने लिख ली थी, इसका जो फॉर्मूला है वो है एकांक सदिश आर कैप बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण, और इसका जो फॉर्मूला है मात्रकों के रूप में, यूनिट के रूप में, सिंबल के रूप में, वो ये हो जाएगा आर सदिश। सदिश को अपन किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, आर सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश के परिमाण को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ये आर सदिश। और परिमाण का मतलब होता है केवल संख्यात्मक मान। ठीक है, तो यहाँ ये मोड लगा देते हैं। मोड एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल संख्यात्मक मान आता है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर 5 आर कैप लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर कैप तो क्या है, एकांक सदिश, और ये 5 क्या है, परिमाण। ठीक है, तो परिमाण केवल एक संख्यात्मक मान होता है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ ये जो है ये केवल 5 है। इसी प्रकार अगर n कैप लिखा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं n सदिश बटे n सदिश का परिमाण। ठीक है, तो r के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, n कैप के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। r कैप अपन कब व्यक्त करेंगे, जब हमें x दिशा, y दिशा या z दिशा या तीनों दिशाएं एक साथ या इनमें से कोई भी दो दिशा अगर हमें दी हुई है तब हम r कैप लिखेंगे। और यदि कोई भी दिशा नहीं लिखी हुई है, मान लो x दिशा का पता नहीं है, y दिशा का पता नहीं है, z दिशा का भी पता नहीं है, पर्टिकुलर कोई x y z दिशा में से अगर कोई दिशा अगर नहीं है तब हम क्या लिखेंगे, n कैप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि x दिशा का, y दिशा का और z दिशा का एकांक सदिश जो है वो i कैप, j कैप और k कैप होता है, और इनके परिमाण हमेशा क्या होते हैं, एक, वन। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं x दिशा का एकांक सदिश बराबर i कैप। ठीक है, और y दिशा का एकांक सदिश हो जाएगा j कैप, और z दिशा का एकांक सदिश हो जाता है k कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां भी i कैप लिखा हुआ रहता है तब उसकी दिशा कौन सी होगी, x दिशा। ठीक है, और अगर j कैप लिखा है तो डायरेक्शन मानी जाएगी y, और अगर
के कैप लिखा हुआ है तो दिशा मानी जाएगी जेड, ठीक है। और इनके जो परिमाण है आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप, इनका जो परिमाण होता है वो एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है, ठीक है। तो यहां पर आई जे के समझ में आ गया किसकी दिशा होती है, क्रमशः एक्स वाई जेड की दिशा है। एकांक सदिश का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है वो उसकी परिभाषा होगी, और ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एकांक सदिश आगे बहुत काम आएगा, मैंने बार बार कहा है। और इसमें आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें, और दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, और परिमाण को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? मोड के द्वारा। ये मोड लिखा है ना, दो लाइनें जो लगी हुई है, इसको अपन कहते हैं मोड। और परिमाण जो है वो कितना होगा? एक होगा। तो ये बात सारी क्लियर हो गई। ये था हमारा तीसरा एकांक सदिश। अब नंबर चार पे विपरीत या ऋणात्मक सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, विपरीत या ऋणात्मक सदिश जो है उसमें जो भी सदिश होंगे वो परिमाण में समान, लेकिन दिशा जो है उनकी विपरीत होती है। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया, इसमें एक सदिश मैंने लिया इस दिशा में, दूसरा सदिश मैंने लिया इस दिशा में, ठीक है। तो यहां अपन इसको लिख सकते हैं ए और बी, और इसको लिख सकते हैं सी और डी, या इस पूरी लाइन को आप पी सदिश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और इस पूरी लाइन को आप क्यू सदिश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये कौन सा सदिश है? पी सदिश। ये कौन सा सदिश है? क्यू सदिश, ठीक है। और परिमाण में समान है, देखिए हमने दोनों जो रेखाएं बनाई हैं उनकी लंबाइयां दोनों की समान ली है, तो दोनों की लंबाई सामने समान ली, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका परिमाण जो है वो समान है। और दिशा देखिए, दिशा हमने विपरीत ले रखी, इसकी दिशा ये x दिशा है और इसकी हमने माइनस x दिशा ले रखी है। तो विपरीत या ऋणात्मक जो सदिश है उसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? वे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु उनकी जो दिशा है वो विपरीत होती है, वे ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे, वे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं, ठीक है। इसको अपन व्यक्त किस प्रकार से करेंगे? ये इस प्रकार से। इसको P और Q को अपन व्यक्त कैसे करेंगे? P सदिश
बराबर माइनस क्यू सदिश। पी सदिश और क्यू सदिश ऋणात्मक सदिश है, परस्पर या विपरीत सदिश है, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों सदिशों के परिमाण क्या है? समान है, परिमाण बराबर है। तो परिमाण बराबर अपन कैसे लिखेंगे? पी सदिश का परिमाण बराबर क्यू सदिश का परिमाण। इसमें आप माइनस का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। तो यहां माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हमने केवल परिमाण लिया है और परिमाण में दिशा या ऋणात्मक चिन्ह नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम ऊपर दिशा लगाते हैं, ऊपर हमने सदिश लगा रखा है, इसको अपन ने सदिश के रूप में व्यक्त कर रखा है, तब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले पद में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यहाँ अगर हम ये लिख दें पी सदिश, तो पी सदिश में परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर P के पास में अगर ये दो लाइनें बना दें, जिसको अपन कहते हैं मोडुलस, मोड जिसको बोला जाता है, तो इसमें केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? विपरीत विपरीत या ऋणात्मक सदिश होता है। नंबर पांच जो है, पांचवा पॉइंट, पांचवा प्रकार, वो है शून्य सदिश। शून्य सदिश, इसमें भी आप नाम से ही बता सकते हैं कि शून्य सदिश का परिमाण क्या होगा और इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, नाम से ही पता लग रहा है। क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? शून्य। इसके पहले वाला जो अपन ने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, तीसरे नंबर पे जो हमने सदिश पढ़ा था, वो क्या था? एकांक सदिश था, जिसका परिमाण कितना था? एक। एकांक मतलब एक, ठीक है। ये क्या है? शून्य सदिश। तो परिमाण कितना हो जाएगा इसका? शून्य। तो वे सदिश जिनके परिमाण शून्य होते हैं, ये क्या कहलाएंगे? शून्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी वे सदिश। वे सदिश जिनके परिमाण, जिनका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाते हैं। अब परिमाण शून्य कैसे होगा? जैसे एक सदिश मान लो, ए सदिश है, दूसरा एक बी सदिश है, परिमाण में समान है। अब इसका अगर अपन इधर पक्षांतरण करें, इस सदिश का ये जो परिमाण है, इसका अगर अपन इधर पक्षांतरण करेंगे, इसको हम सदिश के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे ए सदिश बराबर बी सदिश, ए सदिश बराबर बी सदिश। अब इस बी सदिश का पक्षांतरण अगर अपन इधर करते हैं, तब क्या जाएगा? ये ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर जीरो।
ठीक है, ए सदिश माइनस बी सदिश, मतलब दो सदिशों का जो अंतर है, दो सदिशों को घटाने पर जो वैल्यू आती है, जो मान आता है, वो कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसको अपन कहेंगे शून्य सदिश, क्योंकि दो सदिश के बीच में अनुक्रिया हो रही है। जब भी दो सदिशों के बीच में अनुक्रिया होती है, दो सदिशों को जोड़ते हैं या दो सदिशों को आपस में घटाते हैं तो प्राप्त राशि सदिश ही होती है। जैसे पांच आई कैप एक सदिश राशि है, इसमें से अगर मैं दो आई कैप घटा दूं तो कितना आएगा? तीन आई कैप। तो एक सदिश राशि में से दूसरी सदिश राशि हमने घटाई है, आई कैप लगा है, यहां भी आई कैप लगा है, इसका मतलब ये दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशियां। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी किसी भी संख्या के साथ यदि कोई भी एकांक सदिश लगा हुआ है तो वह एक सदिश राशि होगी। यहां आई कैप लगा है तो ये पूरा सदिश है, दो के पास भी आई कैप लगा है तो ये भी सदिश है। सदिश में से जब सदिश को घटाते हैं तो सदिश ही प्राप्त होता है, तो कितना हो रहा है? तीन आई कैप। अब मान लो इसमें से पांच आई कैप में से मान लो पांच आई कैप ही घटाया जाए तो परिमाण कितना होगा? शून्य होगा ना, तो शून्य परिमाण, लेकिन दिशा कौन सी होगी? आई कैप। दिशा समान रहेगी क्योंकि समान दिशाओं को ही आपस में घटा सकते हैं। अगर यहां पर मैं मान लो जे लिख दूं, ठीक है ना, तो दिशा अलग होगी, अलग होगी ना। आई कैप में कौन सी दिशा होगी? एक्स दिशा। जे कैप में कौन सी दिशा होगी? वाई दिशा। तो एक्स दिशा के परिमाण में से वाई दिशा का परिमाण नहीं घटाया जाता, उसको केवल लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं? पांच आई कैप माइनस पांच जे कैप लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या शून्य प्राप्त होगा क्या? बोलो, अगर हम पांच आई कैप में से पांच जे कैप घटाएं तो क्या ये घट जाएगा क्या? पांच में से पांच नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्यों? क्योंकि ये किसकी दिशा है? एक्स अक्ष की दिशा। और ये कि कौन से अक्ष की दिशा है? वाई अक्ष की दिशा है। तो एक्स वाली दिशा में से वाई वाली दिशा को कभी भी नहीं घटाया जाता। बात समझ में आ गई? तो यहां पर केवल समान जो सदिश हैं, समान दिशा के जो सदिश हैं, उनमें अगर हम आपस में घटाते हैं तो हमें अगर शून्य प्राप्त होता है, यहां देखो परिमाण शून्य आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां इसको अपन क्या कहेंगे? शून्य सदिश कहते हैं। अब एक तो इस कंडीशन में कि जैसे मान लो दो गाड़ियां चल रही हैं, समान वेग से चल रही हैं, ठीक है ना, तो उनमें अगर अपन आपस की अनुक्रिया करवाते हैं तब शून्य आ सकता है, या समान वेग से अगर कोई वाहन गति कर रहा है तो उसका त्वरण भी शून्य आएगा। अब वेग और त्वरण की बात तो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक समान वेग होने पर त्वरण कितना आएगा, तो वो अपन उसकी चर्चा अपन अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो भी एक शून्य सदिश का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो अपन ये ले सकते हैं कि एक समान वेग से गति करने वाले वाहन का त्वरण शून्य होता है, तो वो भी एक शून्य सदिश का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां आज हमने पांच बिंदु तक पढ़ लिए, सदिश के हमने पांच, सदिश के पांच प्रकार हमने लिए हैं। पहला अपन ने लिया था तुल्य या समान सदिश, दूसरा हमने लिया था असमान सदिश, तीसरा हमने लिया था एकांक सदिश, चौथा हमने लिया था विपरीत या ऋणात्मक सदिश, और हमने पांचवा लिया है शून्य सदिश। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़ें और
इन परिभाषाओं को भी थोड़ा ध्यान रखें। और विशेष रूप से मैं दोबारा कह रही हूँ कि तीसरा जो पॉइंट है एकांक सदिश वाला, वो आपके 12th क्लास तक काम आएगा। तो उसको आप उसके फॉर्मूले को भी और उसके जो एक्स वाई जेड के मैंने जो एकांक सदिश बताए थे उनको भी आप याद करोगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।